कुछ विद्यार्थी जिन्हों का पी एस टेट क्लीयर हो चुका है, वह क्लीयर होने तो बाद भी टेंशन च इसलिए ने क्योंकि उन्होंने टीचर जां उन्होंने कोई इनफॉर्मेशन दे रहा है कि उन्हों का पी एस टेट वैलिड नहीं है क्योंकि वह पहले दूजे या तीजे समेस्टर विच पढ़ रहे हैं। अजिहा नहीं है, उसका उत्तर यह है कि जो परस्यूइंग वाला केस सी उसकी उही पहला भी किसी वीडियो दिखा चुका हाँ। सो ये उसकी रियल वर्डिंग है, इसनों तुसी देख सकते हो और खुद समझ सकते हो कि ये जिहड़ा केस सी TGT पंजाबी फीमेल 2022 है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये विचकार है। इट मीनस ये डिसीजन NCTE का नहीं सुप्रीम कोर्ट का है, तो NCTE ने उन्हें सर्कूलेट किया है। तो इस पैरे विच दस्या गया है परस्यूइंग शब्द का अर्थ यही है कि जेकर TTC टीचर ट्रेनिंग कोर्स दे पहले या दूजे सेमेस्टर विच तुसी हो, पहले दिन विच भी हो, तो तुसी TET विच अपीयर हो सकते हो। जे अपीयर होने लिए कह दिता गया है इट मीनस पास हो गए तो वैलिड हो गए, ये नाल ही मनिया गया है ना। तो इस दे लास्ट पैरे विच ये लिखा गया है इट इज़ क्लीयर फ्रॉम द ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कई टीचर कह रहे हैं कि SCERT का हुक्म नहीं है, NCERT का है, इस तरह कह रहे हैं। देखो जो कानून बनता है कानून की जड़ी रक्षा करनी है वह सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने करनी है। सो सुप्रीम कोर्ट जो कोई डिसीजन दिंदी है तो खुद कानून बन जाता है। इतने NCT तो उत्ते भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कानून बन जाता है, जिस विच किया गया है कि लास्ट है चलो पढ़ देना हाँ पूरा। इंडिया दैट कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी TTC एंड अंडर गोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन सेट टू बी परस्यूइंग सच एज टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड ए फेयर रीडिंग ऑफ क्लोज 5.2 ऑफ NCTE गाइडलाइन ए परसन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन TTC टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिमें कि BEd एंड इज परस्यूइंग ही और शी कैन अपीयर इन TET एग्जाम। इतने TET लिखा है, इसका मतलब CTET भी हो सकता है, ठीक है, CTET भी, दूसरा STET स्टेट टेट भी हो सकता है क्योंकि तुम पंजाब की गल कर रहे हो, उसनों पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। सो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जां डिसीजन जां कानून है। थैंक यू डॉक्टर तेज सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।